अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं आज आपको चिकन बिरयानी बनाने का तरीका बताता हूँ। उसके लिए क्या क्या चाहिए होता है। मैं उसमें पहली चीज़ है राइस, चावल। 1 किलो चावल लाया हूँ मैं, उनको भिगो दिया है। तो अच्छा, आप चाहते हैं कि चावल का रिज़ल्ट जो है ना, चावल बड़े हो जाएँ, तो उसको 30 से 50 मिनट्स तक भिगो दें। ये मैंने इनको पानी में भिगो दिया है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, उसका नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बताता हूँ। चिकन मैंने एक दाना लिया हुआ है, उसको धो के और फिर उसके बाद सब्ज़ी काटनी है, और जो है ना प्याज को काट के घी में फ्राई करना है। तो उसका मैं तरीका अभी आपको बताने लगूँ। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को देख के लाइक और सब्सक्राइब करें, इंशाल्लाह आपको सीखने का मौका मिलेगा। गाइस हम नेक्स्ट स्टेप पे आ गए। नेक्स्ट स्टेप ये है, 2 अदद प्याज लिए मैंने, उनको काट के डिश्के में डाला है और घी डाल दिया है। आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, घी भी यूज़ करते हैं सकते हैं। मैंने शमा घी डाला है इसमें, और इसको फ्राई करना है 15 से 20 मिनट, जब तक प्याज का जो कलर है ना वो सिल्वर हो जाए। सिल्वर हो जाएगा तो उसके बाद फिर हम नेक्स्ट स्टेप फिर आपको बताते हैं। तो उसके लिए काइंडली ज़रा वेट करें, स्टीम को ऊंचा करके तो फ्राई होने का वेट करते हैं। ठीक है भाई, प्याज हल्का हल्का सिल्वर होने लगेगी, कलर गोल्डन हो जाएगा। तो उसके बाद हम इसमें चिकन डालेंगे। तो नेक्स्ट टाइम मैं आपको बताता हूँ। गाइस ये देखिए, ये ब्राउन हो रहा है इसका कलर, सारा प्याज जो है ना ब्राउन हो जाए तो उसके बाद हमें चिकन डालना। तो 5 मिनट और भी, 5 मिनट और भी ऐसे। इसमें नेक्स्ट स्टेप है, लहसुन और अदरक डालेंगे, इसको मिक्स करके फिर चिकन को डाल के फ्राई करना है। ये देखते हैं जी, लहसुन डाल लिए, लहसुन पीस के इसमें आप, इसके बाद हमने इसमें अदरक डाल लेनी है। ठीक है, इसको मिक्स कर लें। फुल ब्राउन हो गया प्याज का कलर, इसमें भी हम चिकन मिक्स, चिकन डालने वाले हैं। एक अदर चिकन लिया था, उसको साफ करके डाल दिया। इसको हमने जो है ना 30 से 35 मिनट देने हैं, ताकि जो चिकन है ये फ्राई हो जाए फुल। तो जब ये फ्राई हो जाएगा, इसका कलर भी गोल्डन और ब्राउन हो जाएगा चिकन का, तो उसके बाद आगे नेक्स्ट टमाटर डाल देंगे। तो उसके लिए ज़रा वेट करें, वो अच्छी तरह मिक्स करें। एक अदर चिकन क्यूब भी डालना है जी। एक अदर चिकन क्यूब डाल के हंसी जायका के लिए, इसका अपना एक जायका आता है चिकन क्यूब का।
तो इसको जब डाल के आपने चिकन भी डाल दिए, सारी चीज़ें डाल दी, तो जब तक इसको सही फ्राई करके इसका कलर गोल्डन और हल्का ब्राउन हो जाए, तो उसके बाद इसमें हम टोमेटोज ऐड करेंगे। टमाटर कितने डालने हैं वो भी मैं आपको बताने लगा हूँ। तो गाइस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। चिकन का कलर आप देख लें, फ्राई हो रहा है, कलर कोई फ्राई और जो है ना ब्राउन हो जाएगा। तो उसके बाद इसमें हम 5 से 6 अदद टमाटर ऐड करेंगे और फिर उसको भी हम मिक्स करेंगे सही सा। गाइस इसमें हमने 5 अदद टमाटर काट लिए और ये जो है ना इनको भी इसमें डालेंगे। तो 2 मिनट और भी देते हैं। आपने टोटल जो है ना 15 से 20 मिनट्स जो है चिकन को फ्राई करना है कि इसका कलर इस तरह आ जाए। देखिए कलर खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन प्यारा सा कलर। ये जिस टाइम हम बिरयानी खाएंगे तो उस टाइम मैं आपको बताऊँगा कैसी बनी है लजीज बिरयानी मेरे हाथों की। आप इंशाल्लाह ज़रूर पसंद करेंगे। गाइस इसमें अभी टमाटर मैं ऐड करने लगा हूँ। ये टमाटर ऐड कर लिए मैंने जी, 5 से 6 अलग टमाटर हैं। तो उसके बाद जो है ना टमाटर्स को मिक्स कर देना है प्यार मोहब्बत से। बिस्मिल्लाह। गाइस मैंने टमाटर तो डाल दिए, अभी इनको हमने मिक्स करते रहना है जब तक ये जो टमाटर हैं जो नरम होंगे मिक्स हो जाए। ठीक है, तो इसको मिक्स करते रहना है। डरे बिल्कुल भी नहीं, देखिए मैं भी बना के सीख चुका हूँ। यूट्यूब की बदौलत है कि मुझे हांडी बनाने पर लगा दी है। अभी इसमें 20 से 25 मिनट हैं, तो 20 से 25 मिनट आपने इसको इस तरह फ्राई कर लें। गाइस अभी 10 मिनट हो चुके हैं, टमाटर देखें नरम हो रहे हैं इस तरह। तो आपने जो है ना मैक्सिमम टमाटर डालने के बाद जो है ना इसको 20 मिनट देने हैं ताकि जो टमाटर हैं वो फुल नरम होके मिक्स हो जाएं। ठीक है, देखें अब टमाटर अपना पानी भी छोड़ रहा है। अभी जो है ना इसकी कंडीशन इस तरह है कि इसको गाइस मैंने छोटा सा डब्बा ले लिया बिरयानी का। तो ये बिरयानी का डब्बा जो है ना इसमें ऐड करना है ये मसाला पूरा। ठीक है, इसको मैंने ओपन कर लिया, तो इसको मैं ऐड करने जा रहा हूँ, सारा मसाला ऐड कर देंगे। ठीक है, चिकन बिरयानी में शक्ल सूरत इंसान का पहला तारुफ, इंसान का दूसरा और असल तारुफ उसके अल्फाज हैं। बात याद रखें, सारा मसाला आपने ऐड करना है। ठीक है, ऐड करने के बाद मेरी जिंदगी सजा दी। चिकन बिरयानी के लिए हमारा जो मसालेदार चिकन है ये तैयार है, रेडी है चावल में डालने के लिए। आज जो हम बिरयानी बना रहे हैं ये लेयर्स वाली है। पहले चावल डालेंगे, फिर चिकन, फिर चावल, फिर चिकन, 3 लेयर्स में हम ये अपने चिकन बिरयानी कंप्लीट करेंगे। उससे पहले अभी इसका नेक्स्ट स्टेप ये है कि चावलों को बॉईल करना है 20 से 30 मिनट, जब तक वो नरम हो जाते हैं। अभी गाइस को रखते हैं चूल्हे पे। गाइस चावल जो हमने वो बॉईल करने के लिए डाल दें, इसमें हमने जो है ना सॉल्ट ऐड करना है और घी ऐड करना है।
इतना सा घी आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, इतना घी ऐड कर लेना है, ठीक है। और साल्ट जितने यूज़ करना है वो भी बताता हूँ, इतना सा साल्ट डालिए यूज़ कर लें, ठीक है। हाफ टी स्पून इसको हमने अभी बॉयल कर लेंगे, छोड़ देना है 20 से 30 मिनट्स तक, इसको बॉयल आएगा फिर आगे आपको वीडियो बताता हूँ। गैस हमने चावल उनको बॉयल आ गया, देखें पानी सूख गया बिल्कुल, तो अभी ये रेडी हैं लेयर्स लगाने के लिए। चिकन हमारा ऑलरेडी रेडी हो चुका है, देख लें गैस चिकन, वाह जी वाह, इतनी प्यारी स्मेल आ रही है इसमें से माशाल्लाह। अभी ये जो है ना इसमें हम दम लगाने से पहले लेयर्स लगाएंगे, ठीक है। ये चावल देखें बिल्कुल नरम हो चुके हैं, देखें चावल नरम हो गए। ये जिस टाइम हम दम लगाएंगे ना इसको 15 से 20-30 मिनट के लिए हम इसको दम पे रखेंगे, तो ये चावल बिल्कुल नरम हो जाएंगे रेडी होंगे खाने के लिए। तो इंशाल्लाह आज की रेसिपी आप सबको याद रहेगी मेरी, मेरे हाथ की बनी बिरयानी। गैस ये जो लोसास है इसमें चावल डालेंगे ताकि इसमें से पानी का मुकम्मल इंखला हो सके, ये देखेंगे इसमें पानी थोड़ा सा इसलिए डालते हैं कि इसमें से पानी जो मुकम्मल ड्राई हो सके, चावल मुकम्मल ड्राई हो जाएं, खुश्क हो जाएं दम लगाने से पहले। अभी इसमें हम लेयर्स लगाएंगे, लेयर्स का तरीका मैं आपको भी दिखाता हूँ। गैस लेयर लगने के लिए रेडी हैं, पहले हम जो है ना चावल डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये चिकन के पीसेस लेयर लगा लेने, और फिर लेयर लगा लेंगे। लग चुकी है लेयर्स लग चुकी हैं, इसके ऊपर हम जो है ना अभी लगाएंगे रेड कलर हल्का सा मिक्स करना है। लेयर्स लग चुकी हैं गाइस, इसमें सबसे लास्ट स्टेप है अदरक है, धनिया है, लेमन है, ये हल्दी का कलर है, इसको मिक्स करेंगे। ये आप चेक करें ये बनते ना, ये मिक्स कर दें, ठीक है। ये आपने डाल लिया है, इसके बाद अदरक डाल लें,
फिर सबसे ऊपर लेमन डाल लें, फिर इसको हम अभी दम पे रखेंगे। दम पे हैं 20 से 30 मिनट लगेंगे और बिरयानी हमारी रेडी। लास्ट स्टेप है जी जर्द कलर इसको गाजी बिरयानी का रंग देने के लिए जी। ये देखें गाइस, कलर देखें माशाल्लाह।